नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनिवार के व्रत के खान पान के बारे में। दोस्तों शनिवार का व्रत सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और अच्छे कर्म करने वालों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को रंग से राजा बनने में समय भी नहीं लगता। परंतु दोस्तों शनिदेव यदि किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, चारों तरफ से परेशानियां उसे घेर लेती हैं। इसलिए हमें शनिदेव को प्रसन्न करने वाले कार्य नित्य करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को शनिवार के दिन शनि भगवान का व्रत अवश्य रखना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा पाठ भी करनी चाहिए। दोस्तों शनिदेव का व्रत बाकी व्रतों से थोड़ा अलग होता है। इस व्रत के फलाहार प्रसाद भी बाकी व्रतों से अलग होते हैं। अक्सर लोगों की ये समस्या होती है कि शनिवार के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही सारी बातें आपको बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी सारी समस्याओं का हल हमारे वीडियोज के माध्यम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शनिवार के व्रत में दिन भर फलाहार किया जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। शनिवार के व्रत में हमें वही वस्तुएं खानी चाहिए जो शनिदेव को प्रिय होती हैं और उन्हीं वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए जो शनिदेव को प्रिय होते हैं। तो आइए जानते हैं शनिवार के व्रत में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि शनिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है और ना ही नमक घर में लाया जाता है। आप नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और इससे नमकीन व्यंजन व्रतहार के रूप में बनाकर खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेय पदार्थों के बारे में। दोस्तों शनिवार के व्रत में कोई भी सफ़ेद रंग के पदार्थों का सेवन वर्जित है। सफ़ेद रंग के पदार्थ अर्थात दूध, दही, छाछ, लस्सी इत्यादि, ये सभी वस्तुएं आप व्रत में नहीं पी सकते हैं। परंतु यदि आपको दूध, दही, लस्सी पीना ही है तो आप इसमें हल्दी, गुड़, केसर इत्यादि मिलाकर पी सकते हैं, क्योंकि हल्दी और गुड़ मिलाने से इनका रंग बदल जाता है। इसके अलावा आप स्वादानुसार बनाना शेक, मैंगो शेक, केसर की लस्सी और उड़द की दाल के दही भल्ले भी खा सकते हैं। दोस्तों शनिवार के व्रत में सूर्य उदय के समय पीपल के पेड़ में दीपक जलाकर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना आरंभ किया जाता है। इसलिए आप सरसों के तेल से बना कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। दोस्तों शनिवार के व्रत में लाल मिर्च का प्रयोग भी वर्जित है, अतः शनिवार के व्रत में लाल मिर्च से बना कोई भी खाद्य पदार्थ न खाएं। इस व्रत में कसैले अर्थात खट्टे या कड़वे पदार्थों का सेवन भी वर्जित है। अब आइए जानते हैं कि शनिवार के व्रत में हम कौन से व्रतहार कर सकते हैं। दोस्तों शनिदेव को काली वस्तुएं प्रिय होती हैं, अतः व्रत में भी काली वस्तुओं का सेवन ही करना चाहिए, जैसे उड़द की दाल की खिचड़ी, उड़द, राजमा, काले तिलों से बने व्यंजन या मीठा, काले चने इत्यादि आप शनिवार के व्रत में खा सकते हैं। दोस्तों शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप मीठे में गुलाब जामुन का भोग लगाकर शाम को ग्रहण कर सकते हैं, इससे शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आप अपनी सुविधा अनुसार कोटू के आटे का केक, छुहारा पाक, अखरोट का हलवा, गन्ने के रस का खीर अर्थात गुड़ वाली खीर, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, सिंघाड़े के आटे का चीला, कुट्टू के आटे के पराठे, काली मसूर की दाल और प्रसाद वाले काले चने इत्यादि व्रत में सेवन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं फलों के बारे में। हमें कौन कौन से फल शनिवार के व्रत में खाने चाहिए और कौन से फल शनिवार के व्रत में नहीं खाने चाहिए। दोस्तों शनिवार के व्रत में काले जामुन या काले अंगूरों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप केला, आम इत्यादि फलों का सेवन कर सकते हैं, परंतु जो फल खट्टे और कसैले हों उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि काले अंगूर भी खट्टे फलों में आते हैं, परंतु इनका रंग काला है अतः इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हुई उन वस्तुओं की जानकारी जिनका प्रयोग शनिवार के व्रत में किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके अवश्य काम आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।